भाजपा के बाहुबली सांसद बिभूषण शरण सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला हाई प्रोफाइल है और गोंडा के दो राजनैतिक प्रतिद्वंदियों के बीच का है। कैसरगंज के भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का 27 साल पुराने मामले का जिन्न फिर से जाग गया है। मामला सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह से जुड़ा हुआ है। सपा सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय पंडित सिंह पर जानलेवा हमला के मामले में पूर्व मंत्री के भाई नरेंद्र सिंह ने भाजपा सांसद बिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गुरुवार को विशेष कोर्ट में गवाही दी। गवाही के बाद नरेंद्र सिंह ने भाजपा सांसद बिजभूषण शरण सिंह से खुद की जान को खतरा बताते हुए कोर्ट से आजीवन सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई, जिसके बाद जिले की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि वर्ष 1993 में पूर्व मंत्री पंडित सिंह पर उनके बल्लीपुर स्थित आवास पर हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। बताया जाता है कि हमलावरों ने पंडित सिंह को टारगेट करके 36 गोलियां बरसाई थीं, जिसमें भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर हमला कराने के आरोप लगे थे। घटना के बाद नवाबगंज थाने में 307 का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में नरेंद्र सिंह चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने अपना बयान दर्ज कराने के बाद अपनी जान को खतरा बताया है। बताया जाता है कि पंडित सिंह इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जब पंडित सिंह पर हमले की जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मिली तो उन्होंने तत्काल मदद भेजी, जिसके बाद ही उनकी जान बच पाई थी। भाजपा सांसद के खिलाफ गवाही देने के बाद विशेष न्यायाधीश ने नरेंद्र सिंह व उनके परिवार को आजीवन सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया है। हमारे बड़े भाई विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह स्वर्गीय पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उनको 24/12/93 को उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला हुआ था, उसी के विरोध में जो है कोर्ट में चल रहा था गवाही के लिए। हमने कल गवाही हमने दिया है, माननीय बिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हमने गवाही दिया है कल, और उनके साथ चार लोग और थे। उनके साथ वो चारों का नाम है दीप नारायण पहलवान, ज्ञान सिंह, देवदत्त सिंह, एक आदमी को हम नहीं पहचान रहे हैं, उनको चारों खिलाफ हमने कल गवाही दी। मैं कोर्ट्स में अपील किया कि हमें जो है सुरक्षा दी जाए। इसके पहले कोर्ट ने हमें सुरक्षा दिया था, लेकिन जो है जिला प्रशासन ने हमें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया। कल हमने गवाही दिया तो हमने बताया तो कोर्ट में जो है एक्सेप्ट करके हमारा जो है अप्लीकेशन, उसमें हमें जो है DGP और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जिला प्रशासन को कि हमें सुरक्षा दी जाए। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो पत्र लिखा गया है उसके बिहार में हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर नहीं कराई जाती है हमारे परिवार वालों के लिए, हमें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। इन 27 वर्षों में गोंडा की राजनीति ने कई करवटें ली। इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह और विनोद कुमार सिंह साथ में भी आए, जबकि दोनों नेता एक दूसरे के धुर विरोधी थे। जहां एक तरफ दिवंगत सपा नेता विनोद कुमार सिंह शुरू से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी सपा का दामन थाम लिया था। लेकिन एक बार फिर इस मामले से गोंडा की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। 2022 चुनाव से पहले एक बार फिर ये मामला बाहर आया है। यही नहीं, इस मामले को लेकर कोर्ट के आदेशों का जिला प्रशासन कैसे धज्जियां उड़ा रहा है ये भी खुलकर सबके सामने आ गया है। कोर्ट को नरेंद्र सिंह को सुरक्षा देने के लिए दोबारा जिला प्रशासन को पत्र लिखना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।